जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको तारा के विषय में बताएंगे। जो सुनते हैं आप कि हमारा तारा अशुभ है, हमारा तारा शुभ है, तो ये जो नौ ताराएं हैं, 27 नक्षत्रों को 3 राउंड करने पर, नौ नौ की संख्या में तो 27 होते हैं। तो इस प्रकार से हम आज आपको तारा के विषय में बताने जा रहे हैं, जिसका जन्म के समय जो आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वह नक्षत्र आपका जन्म तारा कहलाता है। उससे दूसरा नक्षत्र संपद, चंद्रमा, तो जिस चंद्रमा जिस जिस नक्षत्र में प्रवेश करेगा, वह आपका परिवर्तन होता जाएगा, परंतु आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं वह जन्म तारा ही कहा जाएगा। जन्म नक्षत्र पहला, दसवां और 19वां, ये जो है तारा या नक्षत्र, आपके जन्म से पहला नक्षत्र जिसमें आप जन्म लिए हैं, दूसरा पार्ट है आपके जन्म नक्षत्र से दसवां जन्म नक्षत्र आपका नक्षत्र, और वहां से 19वां नक्षत्र, यह आपका जन्म तारा कहलाएगा। चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसे जन्म नक्षत्र कहा जाता है। दसवें को कर्म और 19वें को आधान नक्षत्र कहा जाता है। तो इन नक्षत्रों के स्वामी या इनमें बैठे ग्रह बहुधा प्रारब्ध के अनुसार, यानी कि आपके प्रारब्ध कर्मानुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। अनेक विद्वानों ने इसे अल्प शुभ और किसी ने इसको सम नक्षत्र माना है। सम का मतलब होता है कि आप अगर इसके अनुकूल हैं तो आपके अनुकूल कार्य करेगा, आप इसके विपरीत हैं तो आपके विपरीत काम करेगा। इसलिए यहां पे सम को हम एक उदासीन के रूप में भी मानते हैं, या न्यूट्रल मान लीजिए, तो सम उसको कहते हैं। दूसरा, आपके जन्म नक्षत्र से दूसरा तारा, उसको हम संपत तारा कहते हैं। संपत कौन कौन सा है? आपके जन्म नक्षत्र से दूसरा, 11वां और 20वां, यह चंद्रमा से द्वितीय, उसके पर्याय नक्षत्र संपद नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें स्थित ग्रह संपद नक्षत्र का स्वामी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में धन यश और सफलता देते हैं। इस प्रकार से जो तीसरा नक्षत्र है आपका, तीसरा नक्षत्र आता है विपत। विपत का मतलब है विपत्ति देने वाला। आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा, 12वां और 21वां, यह नक्षत्र जो है यह विपत नक्षत्र है। इसमें स्थित ग्रह, चाहे आपके किसी भी राशि का ग्रह हो या आपका चंद्रमा, इन नक्षत्रों में गोचर करता हुआ पहुंचे, तो निश्चित याद रखिए कि आपको उसकी दशा अंतरदशा या गोचर में रोग शोक चिंता और भय निश्चित देगा। इसी के कारण इसको विपत नक्षत्र बोला जाता है। चौथा, छह नक्षत्र होता है। छह नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र, छह नक्षत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत इसमें बैठा हुआ ग्रह दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा या आपका गोचरस्थ चंद्रमा जब इसमें प्रवेश करता है, तो मित्र बंधु बांधव से भरपूर स्नेह प्यार आपको मिलता है। जातक इस समय सभी का सहयोग जातक को प्राप्त होता है और सम्मान की प्राप्ति होती है, तो हम इसे छेम नक्षत्र कहते हैं। पांचवा नक्षत्र आता है प्रत्यरी। प्रत्यरी नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र है, और यह प्रत्यरी का मतलब होता है विघ्न बाधाओं को उत्पन्न करना। जैसे इसका मूल कारण है, जब यह दशा अंतरदशा के जो ग्रह हैं आपके प्रत्यरी तारा में हैं, और या आपका चंद्रमा गोचर करते हुए प्रत्यरी तारा में नक्षत्र में
प्रवेश कर रहा है तो यह विघ्न बाधाएं उत्पन्न करता है। विलंब तो देता ही देता है, कभी कभी व्यर्थ के बैर विरोध से हानि व असफलता देता है। कोई जातक शत्रु से त्रस्त भी पाए जाते हैं, तो इसमें हमें प्रत्यरी तारा में बचना चाहिए और उस समय मुझे किसी से बेवजह बहसबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। छठा तारा आता है साधक। साधक जो है यह आपके जन्म नक्षत्र से छठवां, पंद्रहवां और चौबीसवां नक्षत्र है। इनमें जब इस नक्षत्र में आपकी दशा अंतरदशा के ग्रह या आपका गोचरस्थ चंद्रमा जब प्रवेश करता है तो ध्यान रखें कि नाम जैसे नाम साधक है वैसे यह मित्रों के सहयोग से कार्य के क्षेत्र में मान की वृद्धि, सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करवाता है। आपको ये सब चीजें प्राप्त होगी जो आपकी लिए हितकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि मान सम्मान की वृद्धि, सफलता ये सब प्राप्त होते हैं आपके साधक नक्षत्र में। सातवां नक्षत्र आता है बध। बध जो है यानी कि मारना, यह कौन सा है? आपके जन्म नक्षत्र से सातवां, सोलहवां और 25वां नक्षत्र। यहां ध्यान दें कि यह जब इस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करे या आपके जन्म नक्षत्र से सातवें, सोलहवें और 25वें नक्षत्र में आपकी दशा अंतरदशा या गोचरस्थ ग्रह का प्रभाव आए तो निश्चित याद रखिए कि इस समय आप अपयश, असफलता, कष्ट, क्लेश व मानसिक संताप से अव्यथित होते हैं। उस समय आप बहुत ज्यादा अपने को पीड़ा महसूस करते हैं, पीड़ायुक्त, यानी जैसे लगता है कि कोई आपका वध कर रहा है, इसीलिए इसका नाम वध तारा है। आठवां नक्षत्र मित्र नक्षत्र कहा जाता है, आपके जन्म नक्षत्र से आठवां नक्षत्र, आठवां, सत्रहवां और 26वां नक्षत्र। तो यहां पे ध्यान रखना है कि जब यह मित्र नक्षत्र में जब तारा आता है तो इसमें गोचर हो या दशा अंतरदशा के समय आपको जो फल की प्राप्ति होती है तो इसमें ध्यान रखें कि मित्रों से भरपूर सहयोग मिलता है। मित्रों से सहायता, मित्रों से भरपूर सहयोग, धन, मान, यश और सुख की प्राप्ति होती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि हम चतुर्दिक उन्नति की तरफ अग्रसर हैं। यह मित्र नक्षत्र है। नौवां आता है आपका परम मित्र नक्षत्र या नौवां नक्षत्र है, आपके जन्म नक्षत्र से नौवां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र और 27वां नक्षत्र। ये जो नक्षत्र हैं जब इन पे चंद्रमा गोचर करे या कोई ग्रह गोचर करे या दशा अंतरदशा के ग्रह इस नक्षत्र में अगर गोचर करते हैं या इस नक्षत्र में हैं आपकी जन्मपत्री में तो निश्चित याद रखिए कि निष्ठावान मित्रों से आपको भरपूर सहयोग मिलता है, समर्थन व सार्थक प्रयास से सुख, सफलता की व सम्मान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों ध्यान रखें कि जो नक्षत्र है, तारा जिसे हम कहते हैं, आपने जन्मपत्री जब मैच करते हैं, मिलान करते हैं, उसमें तीसरे नंबर पे आता है जिसको हम तारा मिलान कहते हैं। उसमें कहते हैं भैया आपका तारा आपके तारा से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखें कि किसी के जन्म नक्षत्र से किसी मित्र का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र अगर 3, 5 और 7वां हो तो वह एक तो मित्रता योग्य नहीं है और वह कष्टकारी बनता है। जब भी आपको सुबह प्रातः उठ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा समय खराब है तो आप ऐसे मित्रों का दर्शन करें या ऐसे लोगों का दर्शन करें जो आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा और सातवां न हो। इनका दर्शन कदापि न करें और इनसे बचने की चेष्टा करें। आप दूसरा, चौथा, साथ में छठा या आठवां, नौवां ऐसे तारा के व्यक्तियों से, ऐसे नक्षत्र के व्यक्तियों का दर्शन करें तो निश्चित ही
या संबंध स्थापित करें, माने मिलें जुलें, तो आपका समय भी सुखमय व्यतीत होगा और आपको ये जो पीड़ा सहन करनी पड़ रही है वह सहन नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी व्यक्ति सुबह उठता है तो कहता है आज मेरा समय यार पता नहीं क्या था कि बहुत अच्छा दिन गुजरा, और कभी कभी कहता है क्या सुबह से ही उठा हूं तब से ही मैं परेशान हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका नक्षत्र बिगड़ा हुआ है, आपका जो चंद्रमा है वह उस नक्षत्र में प्रवेश कर गया है जहां पे बध प्रत्यरी या विपत का तारा तो नहीं है। अगर उसमें प्रवेश करेगा चंद्रमा तो निश्चित आपको पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो मित्रों इस प्रकार से आप अपने तारा का मिलान भी कर सकते हैं, और एक दूसरे से जब मित्रता करते हैं तो उन मित्रता को भी आप नक्षत्रों के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यह आपको तारा के विषय में जानकारी दिए। मित्रों ये ध्यान रखें कि आप अपने ही जन्म नक्षत्र से गिनती करें, काउंट करें। अगला कार्य है, जैसे कि हमने हमारा एक ऐप है वैदिक ऋषि का कुंडली करके, आप इसे डाउनलोड करें। इसमें हमने एक पंचपक्षी करके प्रतिदिन का शुभ अशुभता जानने के लिए, समय को जानने के लिए हमने इसमें दिया हुआ है कैलकुलेशन। आप इसका प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और मैंने इनका प्रयोग कई जातकों के ऊपर प्रयोग किया है, मुझे अच्छी सफलता मिली है, इसलिए हमने इसे सॉफ्टवेयर में भी डाला है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जय श्री राधे।